प्रयास के हिसाब से जो सबसे कवि कयास माना जाता है वो मज़े का है, ठीक है। तो मज़े से हम लोग ज़्यादा कयास कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ हो सकती है, ये जहरीली हो सकती है या नहीं, या ये ताकतवर हो सकती है या नहीं। तो मज़े का लिहाज सबसे ज़्यादा कवि है। फिर उसके बाद जो कयास है वो बू का है, तो खुशबू से पहचान सकते हैं। उससे भी ज़ईफ़ कयास किसका है? रंग का है। और इससे भी ज़्यादा ज़ईफ़ किसका है? वज़न का है, ठीक है। जो मेन चीज़ याद करना है आप लोग को, ये याद करना है कि मज़े का कयास सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कमज़ोर है बू, उससे कमज़ोर है रंग। ओके, ये याद कर लीजिए, ये पैटर्न आप लोग को याद करनी है। मज़ा सबसे स्ट्रॉन्ग कयास है, ठीक है। तो जैसे मैंने ड्राइंग किया है उस तरह से आप लोग लिख लेंगे तो आप लोग को याद रहेगा। मज़ा सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे ज़ईफ है बू, उससे ज़ईफ है रंग। ओके, तो ये कयास के लिहाज से ये तीन क्राइटेरिया आप लोग को याद करना है। उसके बाद जो है, मैंने बताया था उस दिन एक क्लासिफिकेशन बताया था कि यहाँ पर मैंने पूरे मज़े लिखे थे, नौ मज़े। मज़े के एतबार से मिजाज, मिजाज के एतबार से अफ़ाल, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बहुत ब्रॉड करके लिखा हुआ है। तो हरीफ में क्या लिखा हुआ है कि इसका जायका जो होता है बहुत तरपरा, और इसमें क्या होता है कुशादगी ज़्यादा होती है क्योंकि गर्म है। मैंने उसमें लिखा था मुफत्ते असर होगा, तो ये वाला चीज़ आ गया, और क्योंकि गर्म है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, गर्म, खुश्क, सर्द, तर। अब इसके एतबार से आप लोग क्या समझेंगे कि कौन कौन से इसके फंक्शन बहुत कॉमन है? नहीं समझ पा रहे आप लोग? अच्छा ठीक है, मैं एक और इस अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके बाद का सारा चीज़ इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। गर्मो खुश्क, गर्मो तर, सर्दो खुश्क, सर्दो तर। अब हर मिजाज का एक अपना फंक्शन होता है कि अगर ये मिजाज होगा तो ज़रूर ये अफ़ाल होगा, तो वो आप लोग को पता है कैसे होता है? अब गर्मो खुश्क है तो इसमें ज़रूर गर्म होने की वजह से ये मुसक्खिन एक्शन करेगा ये दवा, ठीक है। हाँ हाँ, इसको लिखना है। तो कोई भी दवा गर्म खुश्क है तो एक तो अपनी गर्मी की वजह से ये मुसक्खिन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा, मुसक्खिन गर्म खुश्क होने के लिहाज से ये मोहल्ले एक्शन करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी। गर्म खुश्क होने के लिहाज से ये मुफत्ते होगा, ठीक है। गर्म खुश्क है तो उसमें लताफत पैदा करेगा, ढीला करेगा उसके असबाब को, तो ये मुलतिफ भी होगा। और खुश्की है इसमें तो कोई अज्जा इसका काबिज भी हो सकता है, ठीक है। तो गर्मी और खुश्की से ये सब सारी चीज़ें आती हैं। खुश्की से आपको काबिज आएगा, गर्मी से आपको मुसक्खिन आएगा, अंडरस्टूड। अब गर्मोतर है, अब गर्म होने की वजह से ये भी मुसक्खिन हो सकता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर तो गर्म से बढ़ेगा। तरी होने की वजह से क्या हो सकता है? मुलयन हो सकता है। और अक्सर गर्मोतर दवाएं जो होती हैं, मैंने अभी बताया था आपको, सारे ड्राई फ्रूट्स तरीके की होती हैं। तो ड्राई फ्रूट्स किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं ड्राई फ्रूट्स? ताकत के लिए। तो मुकव्वी होती है अक्सर, ये मुकव्वी दिमाग होगी, मुकव्वी बा होगी, और ये मुकव्वी बदन होगी, आम मुकव्वी। तो गर्मोतर की कैटेगरी में ये सब आ जाएगा। अक्सर दवाएं जो होती हैं गर्मोतर की कैटेगरी में ड्राई फ्रूट्स वाली होती हैं, और ये अक्सर देखेंगे आप ये मुकव्वी दिमाग होती है। अब बादाम है, अखरोट है, फिंदक है, पिस्ता है, क्या है, ये सब ये सारे मुकव्वी दिमाग हैं, मुकव्वी बा है, आम मुकव्वी है। तो ये सब कैटेगरी गर्मोतर में आएगी, अंडरस्टूड। अब सर्दो खुश्क, सर्दो खुश्क के तीन मेन फंक्शन है, एक हाबिस, एक काबिस, और एक है मुजफ्फिफ। तो सर्दो खुश्क के जो कैटेगरी में कोई भी दवा अगर आपको आमला ले लिया, हलीला ले लिया, बलीला ले लिया, ये सब जो है हाबिस भी है, काबिस भी है, मुजफ्फिफ भी है। कोई भी दवा ले लीजिए आप सर्दो खुश्क कैटेगरी में, कोई भी, जैसे उसमें कोई एग्जाम्पल दीजिए उसका, आमला ले लिया,
आमला का क्या है, हाबिस भी उसका एक्शन होगा, काबिस भी होगा, एक मुजफ्फिफ भी होगा, खुश्क करने वाली, रुतूबत को चूस के खुश कर देगी वो। ओके, अब सर्द तर्द कैटेगरी में है, एक तो ये सर्दी है और एक तरी है, तो ये मुसक्किन होगी, आराम पहुंचाएगी, ठीक है। तरी है तो ये मुलयिन होगी, ओके। और सर्द तर की होने की वजह से ये मुसक्किन अतश होगी और डिहाइड्रेशन वगैरह में काम आएगी। हाँ, तो इस तरह की ये दवाएं काम आएंगी, ठीक है। और सर्दों तरह तो मुलतफ होगी, लताफत पैदा करेगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से एक कैफियत से हम आप लोग अपना फंक्शंस लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का मिजाज मालूम होगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ दिया, उसका मिजाज आप लोग को मालूम है, लेकिन आप लोग को पता नहीं कि वो क्या फंक्शन करेगी, तो मिजाज के एतबार से आपको सोचना होगा कि हो सकता है अगर वो सरत अनजाल में काम कर रही है या नहीं। तो अगर वो सर्द तर इस तरह की दवाएं होंगी तो हो सकता है कि वो सरत अनजाल में काम कर सकती है, हो सकता है गर्म तर दवाएं होंगी तो सरत अनजाल में काम करेगी, मणि को गाढ़ा करके उसको रोकेगी, ठीक है। जिसमें अगर कोई दवा है जिसमें लजूजत होती है, मतलब उसमें लजूजत का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, चिपचिपापन, वो उस तरह का होता है ना, लैक्सिसिटी, उस तरह का, अगर उस तरह की दवा है तो हो सकता है कि वो ये कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करेगी। तो अगर आपको फंक्शन नहीं भी मालूम है तो आपको मिजाज के एतबार से आपको ये सब मालूम होनी चाहिए। मतलब गाढ़ा करने के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए, मुगल्लिज़ मनी के लिए बोल रही हूँ। मुगल्लिज़ मनी में आप गर्मोतर दवाएं इस्तेमाल करती, जैसे फिंदक हुआ और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आखिर मुगल्लिज़ मनी में वही इस्तेमाल होती है ना, पिस्ता है, बादाम है, वो सब इस्तेमाल होती है, और पंबा दाना है, ये सब इसी कैटेगरी में आती है। नहीं, खरातीन गर्म खुश्क है।